नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल बिश्नोई और आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल रैंडम थॉट्स पर। दोस्तों, पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण, जो उच्चारण स्थान के आधार पे, कंठ तालु मृदा दंत ओष्ठ, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे, घोष अघोष, वायु प्राणतो की मात्रा के आधार पे हमने देखा, अल्प प्राण महाप्राण, और नासिका के आधार पर देखा नासिकीय ध्वनि और अनुनासिक ध्वनि। अनुनासिकीय ध्वनि में अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी, और आज हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि हमने जब व्याकरण की शुरुआत की, कक्षाओं की शुरुआत की है, तो वो बेसिक से की है, जीरो से की है, शुरू से। हमने ध्वनि से प्रारंभ किया है, जैसे पहली कक्षा का बच्चा जहाँ से सीखना प्रारंभ करता है, हमने व्याकरण का स्तर है वो वहीं से शुरू किया है, जिससे ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ पाए। तो अब आज हम क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं शब्द से। हमने जब पहली कक्षा में पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाई थी, बताया था आपको, तो उसमें ध्वनियों ध्वनि अक्षर वर्ण शब्द और वाक्य के बारे में विस्तार से आपको बताया था, चर्चा की थी आपके साथ। एक बार पुनः उसको देख लेते हैं। शब्द जो अंग्रेजी में जैसे वर्ड कहते हैं, शब्द कहते किसे हैं? वर्णों या अक्षरों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। कोई भी वर्ण या अक्षर को जब आपस में मिलाते हैं, तो कोई जब सही अर्थ देता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? शब्द कह देते हैं। किसी वर्णों या अक्षरों का ऐसे ही मिलना शब्द नहीं कहलाता है, उसका कोई एक विशेष अर्थ होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे मैंने तीन शब्द ले लिया है, माना कि एक लिया ल का, सॉरी तीन वर्ण लिए मैंने, अक्षर कहें, अब इसे अक्षर कह सकते हैं क्योंकि इसमें स्वर सम्मिलित हैं। तो मैंने तीन अक्षर लिए ल म और क। अब इनको मैं जोड़ता हूं उल्टे सीधे तरीके से और उनका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। मैंने इसको सीधा ही जोड़ दिया एक बार, जैसे दे रखा है ल म क। इस लमक का मतलब क्या होता है? कभी आपने सुना ऐसा शब्द? आई थिंक नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना ये शब्द। लमक कोई अर्थ नहीं होता है, तो सार्थक योग नहीं, इसका कोई सार्थक योग नहीं है, ये इसका मतलब ये शब्द नहीं होगा। मैं इसको और तरीके से जोड़ता हूं, मलक। क्या ऐसा शब्द आपने कभी सुना? मलक नहीं सुना होगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब इसका भी सार्थक योग नहीं, इसका भी सार्थक योग नहीं, इसका मतलब ये भी शब्द नहीं होगा। मैं और तरीके से जोड़ता हूं उल्टे तरीके से, कमल, कमल। क्या सुना है आपने इसको कभी? ऑफ कोर्स सुना होगा, कमल एक फूल का नाम है, फूल को कहते हैं और हर बार सुनते रहते हैं हम, इसका मतलब ये सार्थक योग है, सार्थक योग है, इसका मतलब ये क्या होगा? शब्द होगा। ये क्या होगा? शब्द होगा। और तरीके से जोड़ देता हूं, क ल म। क्या आपने ये शब्द सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा, मैं लिख रहा हूं जिससे, पेन। कलम का मतलब क्या होता है? पेन। ये भी सार्थक योग है, सार्थक योग है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी बात कि शब्द किसे कहते हैं, मतलब जब वर्णों या अक्षरों को आपस में मिलाते हैं, तो उनका कोई सही अर्थ होता है, तो वो मिलान शब्द कहलाएगा, वो योग शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाता है। इसका मतलब ये दोनों शब्द नहीं है और ये दोनों शब्द है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि इन दोनों का क्या होता है? कोई एक विशेष अर्थ होता है। इसीलिए किसी भी वर्णों या अक्षरों को जब मिलाते हैं, या उनका सार्थक योग क्या कहलाता है? शब्द कहलाते हैं। अब शब्द, आज हम शब्दों का विस्तृत वर्गीकरण देखेंगे, क्योंकि पूरी व्याकरण, पूरी भाषा इस शब्द के इर्द गिर्द ही है। आप देखेंगे कि शब्द को उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, परिवर्तन की दृष्टि से, उनमें भी वापस हम अलग अलग भागों में देखेंगे। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा, वो रहेगा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द, जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द। आज हम तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में विस्तार से
चर्चा करेंगे और उसके बाद के टॉपिक आगे की कक्षाओं में हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो एक बार हम विस्तार से सारणी को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं वापस तत्सम और तद्वत आता हूँ। तो शब्द जो वर्ड है, उस वर्ड का वर्गीकरण हमने चार भागों में किया है, चार रूपों में किया है। पहला उत्पत्ति की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से, तीसरा है अर्थ की दृष्टि से, और चौथा है परिवर्तन की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से पहला वर्गीकरण है, जो उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति का मतलब होता है उसका जन्म कैसे हुआ, वो शब्द उत्पन्न कैसे हुआ, बना कैसे, उसे ही क्या कहते हैं? उत्पत्ति कहते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है ना? तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज और विदेशी, इसको हम अगली कक्षाओं में वापस कंटिन्यू विस्तार से पढ़ेंगे। तत्सम मतलब तत्सम, उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। तद्भव, तत् धन उद्भव, उससे उद्भव, पैदा हुआ, मतलब संस्कृत से उद्भव, और अभी वर्तमान में जो प्रयुक्त हो रहे हैं, मतलब हिंदी में। देशज, देशी भाषा के शब्द। विदेशी, विदेशी भाषाओं से भी हिंदी भाषा में कुछ शब्द आए हैं, तो हम विस्तार से आगे कक्षा में कंटिन्यू करेंगे इसको। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना का मतलब होता है अभी जो निर्माण कर रहे हैं, अभी हम निर्माण कर रहे हैं रचन। तो जब शब्द उत्पन्न हो गए, उत्पन्न होने के बाद भी शब्द अभी भी बनते जा रहे हैं, नए शब्दों का निर्माण होता है। तो वो निर्माण किस प्रकार से होता है? या तो मूल और रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं और एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। मूल या रूढ़ शब्द मतलब ऐसे शब्द जो पहले से मूल है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपने मूल रूप में ही रहते हैं, वो मूल या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द मतलब शब्दों को आपस में जोड़ करके नए शब्दों का हम निर्माण करते हैं, जिसमें हम संधि देखते हैं, समास देखते हैं, उपसर्ग देखेंगे और प्रत्यय भी देखेंगे। और योग रूढ़ शब्द जैसे शब्दों को आपस में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद नया शब्द बनता है, और नया शब्द उसी शब्द का रूढ़ बन जाता है, उसी शब्द के लिए, उस विशेष वस्तु के लिए रूढ़ बन जाता है। जैसे पंकज शब्द ले लेते हैं हम। अपन पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब जन्म लेने वाला। जब ज जिसमें प्रत्यय लगाते हैं, ज जिसके पीछे भी लगेगा जन्म लेने वाले से होगा, चाहे नीरज हो, जलज हो, पंकज हो। तो जब हम पंकज देख रहे हैं, तो पंकज का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, और ये कमल के लिए रूढ़ हो गया है। तो जब पंकज नाम आता है, तो हम सीधे ही कमल, हमारे दिमाग में कमल आता है। तो ये इसी प्रकार के शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब अगला जो वर्गीकरण है वो है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से हम देखेंगे वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक, हम इनको आगे जब देखेंगे तो इसमें अपन वाचक किसे कहते हैं, लक्षक किसे कहते हैं, और व्यंजक किसे कहते हैं, इसको विस्तार से देखेंगे। वाचक का मतलब होता है सीधी, कोई शब्द जो बात कही जाए वो सीधे अर्थ में होती है। लक्षक में किसी को लक्ष्य करके कहा जाता है, और ये व्यंग्यात्मक रूप में कोई बात कही जाती है, अर्थ व्यंग्य के रूप में निकलता है। इसको विस्तार से आगे कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। अब अगला वर्गीकरण है परिवर्तन की दृष्टि से। परिवर्तन की दृष्टि से भी शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं कि इनमें काल, लिंग और वचन की दृष्टि से विकार उत्पन्न हो जाता है, और अविकारी शब्द में किसी भी प्रकार का कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में, और अविकारी शब्द में हम देखेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो ये था शब्द का एक वर्गीकरण, मोटे तौर पर, मुख्य तौर पर उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, परिवर्तन की दृष्टि से। और अब हम आज देखेंगे, पढ़ेंगे इस क्लास में, वो पढ़ेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, मतलब उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द, जिसमें देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। एक बार आप इसे उतार लीजिएगा सारणी को, और बाद में आगे की क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो आगे शुरू करते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इसके अलावा देशज शब्द और विदेशी शब्द, उनको उसके बाद देखेंगे। पहले आज अभी देख लेते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको पहचानने में आसानी रहेगी कि कौन से तत्सम शब्द है और कौन से तद्भव शब्द है। हाँ, तो पहले देख लेते हैं तत्सम शब्द होता क्या और तद्भव शब्द होता क्या है। तत्सम को जब
टुकड़े करें, दो अलग अलग भागों में बांटे, इसका संधि विच्छेद करें तो तत् धन सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम यानी समान, उसके समान, उसके मतलब संस्कृत के समान। और अगला है तद्भव, तत् धन उद्भव। तत् का मतलब उसके या उससे, और उद्भव यानी उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न, मतलब जो संस्कृत के समान शब्द है वो तत् सम कहलाते हैं, सम यानी समान, और संस्कृत से उत्पन्न है वो तद्भव कहलाता है, तत् धन उद्भव। क्योंकि भारत की सभी भाषाएं है वो, या सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को आ गया है, सभी भाषाओं का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, हिंदी का उद्भव भी संस्कृत से हुआ है, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ऐसे विकृत होते हुए बदलते बदलते हिंदी भाषा का उद्भव हुआ था, विकास हुआ था। हाँ, तो ये शब्द, कुछ शब्द संस्कृत के शब्द है वो हिंदी भाषा में आ गए और उनको हूबहू उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाने लगा, और कुछ का कुछ विकृत रूप के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, वह तद्भव शब्द कहलाने लगे। अब कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं जिसे पहचानने में आसानी होगी कि कौन से तत्सम शब्द और कौन से तद्भव शब्द है। हाँ, मतलब सबसे पहली बात होती है कि सामान्यतः ऐसे शब्दों को नहीं बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग बहुत कम होता है, बोलने में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये सिर्फ जब किसी रचना में या फिर भाषा जब लिखी जाती है तो उसी में ये लिखा जाता है, बाकी सामान्य बोलचाल की भाषा में इनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, और ये शब्द है वो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें देखो आप, तो दुग्ध, दुग्ध का मतलब क्या होता है, दुग्ध कभी हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं, तो दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध है वो तद्भव शब्द है। घृत, घृत का मतलब होता है घी, हम घृत तो नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, घी बोलते हैं। गोधूम, कभी हम गोधूम नहीं बोलते हैं, आज किसकी वो रोटी बनाई है, गोधूम की रोटी बनाई है, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेहूं। तो मतलब ये सामान्य बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग कम या नहीं के बराबर होता है जबकि इनका प्रयोग किया जाता है, एक तो ये पहचान होती है। अब दूसरी पहचान, इसमें री की मात्रा का प्रयोग होता है, इसमें री की मात्रा नहीं लगती है, जैसे अमृत, अमृत को हिंदी में अब जब बोलते हैं तो आमी बोलते हैं, आमी। घृत, घृत को घी बोलते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा। इसमें जो संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है जो अक्षरज्ञ है, और इनका प्रयोग इसमें नहीं होता है, इनकी जगह और किसी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें संयुक्त अक्षर होता है, उसमें संयुक्त अक्षर को सीधे अक्षरों में ही लिखते हैं, जैसे परीक्षा, परीक्षा में क्या है, अक्षर, अक्षर आया तो इसको परीक्षा को परख लिखते हैं, अक्षर किस में बदल गया, ख में बदल जाता है। चित्रकार, तो चित्रकार में ये त्र आया है, ये त्र इस त में बदल जाएगा, चितेरा। रात्रि, त्र रात में बदल जाएगा, त में बदल जाता है। तो इसमें एक ट्रिक आप देख सकते हैं कि इसमें अक्षर आता है, अक्षर इसमें ख में बदल जाता है, त्र इसमें त में बदल जाता है, आगे भी हम देखेंगे। और अब इसमें यह होता है, यह का प्रयोग होता है, यह या ज में बदल जाता है, जो तत्सम में यह प्रयुक्त किया जाता है वो तद्भव में ज बन जाता है, जैसे यस, यस की जगह यह की जगह क्या हो जाएगा, ज, जस हो जाएगा। यजमान, यजमान का यह यजमान हो जाता है, ज में बदल जाता है। सूर्य, सूर्य का यह सूरज, ज में बदल जाता है, मतलब यह की जगह ज हो जाता है, ये तत्सम में और ये तद्भव में। और दूसरा अक्षर, मैंने यहां भी बताया आपको, अक्षर किसमें बदल जाता है, ख में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, ख में। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र किसमें बदल जाता है, क्षेत्र का हो जाता है खेत। इसी प्रकार क्षीर, क्षीर का हो जाता है खीर, हम कभी क्षीर नहीं बोलते हैं, खीर ही बोलते हैं, हम कभी क्षेत्र नहीं कहते हैं, खेत कहते हैं, हम कभी यश नहीं कहते हैं कि जस कहते हैं, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो ये इसकी पहचानने की तरीके। एक कल हमने अनुस्वार अनुनासिक देखा था पिछली कक्षा में, तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग, तत्सम शब्दों में ज्यादातर अनुस्वार का प्रयोग होता है, और इस तद्भव शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक चंद्रबिंदु होता है, अनुस्वार जो सिरोरेखा के ऊपर एक जो बिंदु होता है उसे कहते हैं। तो जैसे चंद्र, चंद्र यहाँ किसमें बदल जाएगा, चांद में। चंद्र में देखो ऊपर अनुस्वार है, बिंदी है, और यहाँ पे चांद में चंद्रबिंदु लग जाती है। दंत, दंत का क्या हो जाएगा, दांत। अंध, अंध का ये जो ऊपर वाला अनुस्वार है वो अंधा, अंधा में बदल जाता है, अंधा में चंद्रबिंदु लग रहा है। ग्रंथि, ग्रंथि का जो बिंदु है ये गांठ के चंद्रबिंदु में बदल जाता है। तो एक तो इसकी पहचान होती है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, और इसमें अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार और अनुनासिक।
एक दूसरे होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे लोहो का काम करने वाला लोहकार, मिट्टी का काम करने वाला कुंभकार, सोने का काम करने वाला स्वर्णकार, ठीक है ना, और चमड़े का काम करने वाला चर्मकार। जबकि इनका हम सामान्य बोलचाल के भाषा में हम लोहकार नहीं कहते, कभी लोहार कहते हैं, तो लोहार शब्द। हम स्वर्णकार नहीं कहते, सुनार कहते हैं। हम कुंभकार नहीं कहते हैं, कुम्हार कहते हैं। और हम चर्मकार नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, चमार। तो ये सामान्य बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जो कुछ हमें अजीब लगते हैं या फिर कहें कि बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, वो संस्कृत के शब्द होते हैं। वो कैसे होते हैं, संस्कृत के शब्द, क्योंकि उनका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि। और दूसरी बात होती है इनमें आधे शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आधे शब्दों का प्रयोग का मतलब जिसे आप या तो कह सकते हैं द्वित्व शब्द कह सकते हैं, या फिर आधे टुकड़ों के संयुक्ताक्षर भी कह सकते हैं। इनका प्रयोग ज्यादा होता है, इसमें संयुक्ताक्षर बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, जो आपने देखा। इसके अलावा भी कुछ शब्द आप देखेंगे तो इसमें भी देखना, अग्नि ग आधा है, हस्त में त आधा है, इसमें मस्तक में स आधा है, ठीक है ना। ये र की मात्रा ऊपर जो लगी हुई है, इसमें ऐसा नहीं होता है, बहुत ही सीधे सीधे शब्द होते हैं, इसमें आधा अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी उदाहरण, कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं तत्सम के और तद्भव के। जैसे अग्नि, अग्नि आग, अक्षी आंख, मैंने कहा था अक्षर किस में बदल जाता है, ख में बदल जाता है। पक्षी, पक्षी पक्षी का अक्षर पंखेरु के ख में बदल जाता है। पाक्षिक, पाक्षिक का अक्षर ख में बदल जाता है, पंखवाड़ा। नासिका, नाक। कर्ण, कान। हस्त, हाथ। मस्तक, माथा। ये एक त ख में बदल रहा है, त है वो किस में बदल जाता है, थ में। पित्र, पिता, ये री की मात्रा है, इसमें नहीं लगेगी। मात्रे, माता। कर्पूर, कपूर, ये आधा अक्षर है, इसमें कपूर आधा अक्षर हटा दिया है। हम क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करेंगे जो हमें बोलने में आसान नहीं हो, तो कुछ क्लिष्टता लगती है, उसको हम तुरंत उसका निवारण करके सीधे सामान्य सीधा शब्द बना के उसको बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे हम किसी का नाम भी थोड़ा बड़ा नाम होता है तो उसका शॉर्ट कर देते हैं, फिर उसको शॉर्ट में उसको बोलते हैं। कभी गांवों के अंदर घरों में लगभग आधे नामों का ही उच्चारण किया जाता है, किसी का नाम पूरा नाम लेकर के कभी उसको नहीं बुलाया जाता है। तो मतलब हम हमारी ये प्रवृत्ति रही है कि हम थोड़ा क्लिष्टता लगती है बोलने में, तो उसको हम थोड़ा सा सुधार करके अपने तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर वही एक शब्द भंडार का एक शब्द बन जाता है। दूसरा ग्राम, ग्राम गांव। ताम्र, तांबा। दधि, दही। धैर्य, धीरज। नव, नया। नापित, नापित का मतलब होता है नाई। उसी प्रकार नयन, नयन का हो गया नयन। निंद्रा, निंद्रा का हो गया नींद। पक्ष, अक्षर ख में बदल जाएगा पंख। प्रकट, ट ये प्रकट है, का हमेशा घ में बदल जाता है, प्रकट का प्रगट। पत्र, पत्ता। ये त्र है वो किस में बदल रहा है, त में बदल रहा है। हमने पीछे भी देखा था जैसे खेत, क्षेत्र का खेत हो रहा था, क्षेत्र का जो त्र है त में बदल रहा था, खेत हो रहा था। उसी प्रकार यहां पर भी पुत्र, त्र त में बदल जाएगा पूत। पोत्र, त्र त में बदल जाएगा पोता। प्रहर, प्रहर आधा जो रहा है उसको हटा देते हैं, पहर बोल दिया। भिक्षा, क्ष ख में बदल जाता है भीख। रक्षा सूत्र, क्ष ख में राखी। राखी, रक्षा, अक्ष ख में बदल जाएगा लक्ष्य। अक्ष ख में बदल जाएगा क्या हो जाएगा, लाख। योगी, यह ज में बदल जाता है जोगी। यौवन, यह ज में बदल जाएगा जोबन। शकुन, ये हमेशा स सड़क वाला जो आप कहते हो उसमें बदल जाता है, तीसरे में दंते स में। तो ये शगुन का शकुन, और क ग में बदल जाता है, कु का गु हो जाता है, शकुन की जगह शगुन हो जाता है। शिक्षा, शिक्षा क्ष इस स में बदल जाएगा, शिक्षा की जगह हो जाएगा सीख। अक्ष ख में बदल जाएगा तो हो जाएगा शिक्षा का सीख। लोक का लोग, क ग में बदल जाता है, जो पीछे ऊपर भी हमने देखा था। शाक, शाक किस में बदल जाता है, साग, साग। क्योंकि इस श मूर्धन्य श को बोलने में थोड़ा सा
हमें दिक्कत होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हम स बोल दिया, सीधा स, साग हो गया, क की जगह हो जाता है ग। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, जिसमें हमने देखा तत्सम कहते किसे हैं, तद्भव कहते किसे हैं, और उनको पहचानने का एक तरीका ट्रिक्स के रूप में। अब इससे आगे हमारा टॉपिक रहेगा देशज शब्द और विदेशी शब्द। उसके बाद हम अगली कड़ी की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें रचना की दृष्टि से शब्द है, जो मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द है वो पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपका अनुभव जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।